about construction and working of meter bridge. Today we are going to find the resistance of galvanometer. This meter bridge is the modified form of the Wheatstone's bridge network. With the help of this meter bridge, we can find out unknown resistance as well as we can find out the resistance of galvanometer. We can find out the unknown resistance as well as we can find out the resistance of galvanometer. Today we are going to discuss about the meter bridge and how to find the resistance of galvanometer using the meter bridge. We know it is modified form of Wheatstone's bridge network, or simply it is called as Wheatstone bridge. Meter bridge consists of a 1 meter wire. 1 meter wire का use किया जाता है. एक वुडन प्लेट होता है नियर अबाउट 1 to 1.2 to 1.5 लेंथ का एक वुडन बोर्ड होता है. उस वुडन बोर्ड के ऊपर 3 मेटेलिक प्लेट को लगाया जाता है जिसमें से 2 L-shaped होती है और 1 straight होती है. और 1 meter वायर का यूज किया जाएगा और साथ साथ में यहाँ पर एक मीटर स्केल होगा जो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए काम आएगा. Let us discuss the construction. This is the wooden plate. This is the wooden plate. Two L-shaped metallic strips are placed horizontally on the wooden board. And one straight metallic strip is placed between these two L-shaped. Meter wire is connected between these two points. In दोनों point के बीच में 1 meter wire connect किया जाएगा. हम लोग यहाँ पर एक meter scale प्लेस करेंगे 100 एंड दिस इज 0. हंड्रेड सेंटीमीटर का मीटर स्केल होगा 1 meter. दिस इज द मीटर ब्रिज. ये मीटर ब्रिज हुआ. अब हमको क्या फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सटर्नल सर्किट इसके साथ में कनेक्ट करेंगे. मतलब मीटर ब्रिज में क्या होता है, एक वुडन बोर्ड हो गया, एक वुडन प्लेट हो गया
थ्री मेटालिक स्ट्रिप्स हो गया, 1 meter वायर और उसके बाद में 1 meter स्केल होता है. दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मीटर ब्रिज. लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एक्सटर्नल सर्किट क्या करोगे, मतलब किस प्रकार से वहां पर एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करोगे. इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क. तो व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में था. This is point A, point C, point B and this is point D. जैसे यहाँ पर हम लोग A और C इनको सेल EMFE की K और रियोस्टेट RH के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. और बी और डी इन दोनों पॉइंट्स को, दोनों टर्मिनल को गैलोनोमीटर के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स गैलोनोमीटर इज प्लेस्ड बिटवीन दिस पॉइंट बी एंड डी. दिस इज द व्हीटस्टोन्स ब्रिज नेटवर्क हैविंग 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 एंड दिस इज R4. This is the construction of the Wheatstone bridge network. Now this meter bridge is the modified form of the Wheatstone bridge network. Then how it is? So this is point A, this is point C, this is point B. ये point B है. इसके according अगर वहाँ पर देखा जाए तो A और B के बीच में क्या है? तो A point और ये B point, इसके बीच में रेजिस्टेंस R1 है. यहाँ पर आप लोग देखिए एक गैप दिया हुआ है, तो हम लोग इस गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसको फिलहाल मैं यहाँ पर R1 से डिनोट कर देता हूँ. ये रेजिस्टेंस हो गया, मतलब ये कंप्लीट हुआ. अब B और C की अगर बात करेंगे तो अपने पास में एक सेकंड गैप है. B और C के बीच में R2 है. तो यहां पर मैं R2 को कनेक्ट कर रहा हूं. R2 को कनेक्ट कर दिया, मतलब ये भी कंप्लीट हो गया. अब A, B, C, यहां पर A है और यहां पर C है. तो A और C और इस पाथ के अलोंग में देखेंगे, थ्रू द D अगर देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस R3 और दूसरा रेजिस्टेंस R4 है. तो मीटर ब्रिज ये मॉडिफाई इसलिए किया गया है कि व्हीटस्टोन्स ब्रिज नेटवर्क में एक अननोन और 3 नोन रेजिस्टेंसेस लेना पड़ता था, 3 नोन. तो इसको ऐसा मॉडिफाई किया कि हम एक अननोन रेजिस्टेंस लेंगे, एक नोन रेजिस्टेंस लेंगे और जो 2 रेजिस्टेंसेस है वो 2 रेजिस्टेंसेस एक्स्ट्रा के न लेते हुए हम इस वायर में से ही उन रेजिस्टेंसेस को सिलेक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लेंथ. वो फॉर्मूला हम लोग तैयार करने वाले हैं. मतलब जो R3 और R4 है ये कन्वर्ट हो जाएगा लेंथ में. ये जो वायर है इस वायर का लेंथ मेजर किया जाएगा. अब R3 के लिए कौन सा रहेगा और R4 के लिए कौन सा रहेगा, वी विल डिस्कस लेटर. तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग R3 और R4 यहाँ से लेने वाले हैं. मतलब समवॉट यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं R3 इधर से लेने वाला हूँ और R4 इस पार्ट से लेने वाला हूँ. लेकिन बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा है, D पॉइंट आ रहा है. मतलब बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा, ऐसा पॉइंट होगा जो D होगा. यहाँ से मैं लेंथ गिन सकता हूँ, D पॉइंट कहाँ पर है. A से लेकर D तक लेंथ गिन सकता हूँ. तो A से लेकर D तक देखिए आप लोग R3 आ रहा है. तो इतना जो वायर का पोर्शन रहेगा उसका रेजिस्टेंस समझ लो R3 है और C से लेकर D ये वाला जो है इस पोर्शन का मतलब इस वायर का, इतने वायर का रेजिस्टेंस जो है वो R4 है. ये हो गया. अब A और C जो है वो सेल की और रियोस्टेट के साथ कनेक्ट किया जा रहा है. तो यहाँ से
ए और सी से हमने वायर्स लिए, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इसका मतलब ये सेल हो गया, यहाँ पर की और क्लोस्टेड लगाया जा रहा, तो ये सर्किट बन गया। नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज अननोन रेजिस्टेंस x एंड दिस इज नोन रेजिस्टेंस विच इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स से सिलेक्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से यह हो गया मीटर ब्रिज जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क का मॉडिफाइड फॉर्म हो गया। हम यहां पर बैलेंसिंग कंडीशन यूज करने वाले हैं और बैलेंसिंग कंडीशन का फॉर्मूला होता है R1 upon R2 is equal to R3 upon R4। लेकिन बैलेंसिंग कंडीशन तब आता है जब गैलोनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बताता है। तो यहां पर गैलोनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन कैसे बताएगा, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं मीटर ब्रिज की, जहां हमको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर। तो अननोन रेजिस्टेंस में क्या किया जाता है, जब अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है तो हम लोग गैलोनोमीटर को बी और डी के बीच में लगाते हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क में लगाया था, दिस इज जॉकी जे। लेकिन जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको लेफ्ट गैप में लगाना होता है, इसका मतलब यहां पर और मॉडिफाई किया जाएगा इस सर्किट को, और जहां एक्स है वहां पर जी लिखा जाएगा। Now this is the position of galvanometer. Here you have to find the resistance of galvanometer which is denoted by G, और हमने वहाँ पर galvanometer लगा दिया left gap में, जिसको find out करना होता है। मतलब unknown resistance जो है उसमें और इसमें थोड़ा सा change ये है, यहाँ galvanometer रहता था अब जरूरत नहीं है, यहाँ पर X होता था तो अब इस galvanometer को उठाकर वहाँ पर रख दिया, अब हम find out कर सकते हैं resistance of galvanometer। मतलब जिस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट गैप में लगा दो और राइट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब नॉन रेजिस्टेंस हम लोग जिसको कहेंगे वो लगा दो। इसका मतलब यहां पर ये R1 का काम कर रहा है और ये R2 का काम कर रहा है बैलेंसिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग। जब जॉकी टच नहीं होगा और की क्लोज होगा, की क्लोज होगा विदाउट टचिंग जॉकी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस प्रकार का रहेगा। ये स्केल है गैल्वेनोमीटर का, समझ लो यहां पर ये 30 है यहां पर ये 30 है, ये 0 है, ये 15 है और ये 15 है। इनिशियली पॉइंटर जो है वो 15 पे होता है, जब हम की को क्लोज करते हैं विदाउट टचिंग द जॉकी तो वो ऑलरेडी 15 पर आया हुआ रहता है। मतलब इस हाफ स्केल का 0 टू 30 का ये दो इक्वल पार्ट में डिवीजन करता है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड, हम यहां इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड का यूज करते हैं। जब हमको अननोन रेजिस्टेंस निकालना होता है तो हम नल डिफ्लेक्शन मेथड का यूज करते हैं, जहां पर ये पॉइंटर ऑलरेडी जीरो पे होता है जब जॉकी को टच नहीं किया रहता, विदाउट टचिंग द जॉकी ये जीरो पर होता है अननोन रेजिस्टेंस में। लेकिन जहां रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर निकालना है तो वहां पर ये ऑलरेडी 15 पे होता है। और इस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड दिया था वो साइंटिस्ट केल्विन ने दिया था, और इसीलिए इस इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड को केल्विन मेथड भी कहा जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस केल्विन मेथड वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर यूजिंग मीटर ब्रिज। तो ये केल्विन मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो
तो जॉकी को हमने टच किया नहीं, विदाउट टचिंग द जॉकी ये 15 पे आ रहा है, इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड है। जब आप जॉकी को ए पॉइंट पर टच करोगे देन गैलोनोमीटर और वी कैन से पॉइंटर डिफ्लेक्टेड लेट अस कंसीडर टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ लो कि ये लेफ्ट के तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, कब, जब हमने उसको ए पर टच किया। जब हम इसी को सी पर टच करते हैं टच द जॉकी एट सी देन पॉइंटर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स राइट, राइट इसका मतलब जीरो के तरफ, लेफ्ट इसका मतलब 30 के तरफ, मतलब यहां पर। तो जब ए पर टच करोगे तो लेफ्ट में आ रहा है, सी पर टच करोगे तो राइट में आ रहा है, मतलब बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमको 15th मार्क मिलेगा। मतलब हम अब यहां पर ट्राई करेंगे एक ऐसे पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे कि जहां पर ये पॉइंटर फिर से 15 टच करने पर वो कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में। चलो यहाँ पर हमने टच किया, टच करते हुए आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते 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 वो किधर जाएगा, तो पहले कहाँ पर आया था, ए पर टच करने से वो 30 के तरफ, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे वो किधर जाएगा, तो 15 के तरफ जाएगा, 15 के तरफ जाएगा, 15 के तरफ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये जॉकी समझ लो इस पॉइंट पर टच करते ही गैलोनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बताएगा, दैट मीन्स एट पॉइंट डी जीरो डिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे गैलोनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन एट, मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन था उस ओरिजिनल पोजीशन पे। अब हमको पॉइंट डी मिल गया, तो पॉइंट डी जो है वो हो गया अपना बैलेंस पॉइंट, ये बैलेंसिंग पॉइंट हो गया। अब ये बैलेंसिंग पॉइंट अगर है तो इसका मतलब जो AD होगा ये AD बैलेंसिंग लेंथ हो गया, AD इज द बैलेंसिंग लेंथ। अब आपको अगर बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया, बैलेंसिंग लेंथ अगर मिल गया, तो हम यहाँ पर बैलेंसिंग कंडीशन का यूज करेंगे। सो यूजिंग बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज नेटवर्क एंड बैलेंसिंग कंडीशन इज दैट R1 अपॉन R2 is equal to R3 upon R4. So what is R1 here? It is G. What is R2? No resistance and it is selected from the resistance box and it is denoted by capital R. So what is R3? So R3 मतलब A से लेकर D तक का जो वायर है, इतना जो वायर है, इस वायर का जो लेंथ है वो लेंथ का रेजिस्टेंस होगा, that means it is the resistance of wire AD, wire AD of length 11 मीटर के तरफ होने के कारण मैं इसको LG से डिनोट कर रहा हूं, और उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो R4 है, R4 मतलब ये इधर का रहेगा, कहां से D से लेकर C तक का। सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC ऑफ लेंथ LR, तो ये रेजिस्टेंस के साइड में होने के कारण मैं DC लेंथ को LR से डिनोट कर रहा हूं, और G के तरफ होने के कारण इसको LG से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। बट हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD ऑफ लेंथ LG, क्योंकि वो रेजिस्टेंस जो है वो यहां पर R3 था, इसको कन्वर्ट करना है हमें LG में। सो फॉर दैट लेट अस टेक द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस of
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, तो वायर का लेंथ कितना भी हो मटेरियल वही होने के कारण स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे वायर छोटा हो चाहे वायर बड़ा हो मटेरियल वही होना चाहिए। सो सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, तो सिग्मा इज इक्वल टू जैसे रेजिस्टेंस आप आर थ्री ले रहे हो इस तरफ का, तो वहां का लेंथ क्या है एल जी, तो आपको आर थ्री इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल जी मिल गया। नाउ सिग्मा इज इक्वल टू आप लोग आर फोर ले रहे हो डी से लेकर सी तक का रेजिस्टेंस, तो उधर का लेंथ जो है वो हमने एल आर लिया है, तो आपको आर फोर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल आर मिल जाएगा। जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट जी अपॉन आर इज इक्वल टू आर थ्री इज सिग्मा एल जी, मतलब ए डी के तरफ का रेजिस्टेंस हो गया, और सिग्मा इंटू एल आर ये हो गया डी सी के तरफ का रेजिस्टेंस। इन दिस केस सिग्मा गेट कैंसल्ड, यू विल गेट जी इज इक्वल टू आर टाइम्स एल जी अपॉन एल आर, ठीक है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर। आर इज द नॉन रेजिस्टेंस, एल जी कहाँ से आएगा, तो आपको डीप बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया, तो यहाँ का मार्किंग जो है मतलब स्केल पर जो मार्किंग रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो एल जी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 40 पर है, ये 40 पर है, तो इसका मतलब बचा हुआ क्या रहेगा 60, तो 40 अपॉन 60, और नॉन रेजिस्टेंस तो आपने यहाँ से आर से ले लिया है। और दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज जी इज इक्वल टू आर टाइम्स एल जी, तो बचा हुआ कितना रहेगा 100 माइनस एल जी, क्योंकि स्केल का लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, उसमें से आपने अगर 40 अगर ले लिया तो बचा हुआ क्या रहेगा 100 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 60। सो वी कैन राइट जी इज इक्वल टू आर टाइम्स एल जी अपॉन 100 माइनस एल जी। सो दीज आर द फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर यूजिंग केल्विन मेथड इन केस ऑफ मीटर ब्रिज। थैंक यू।